अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। गिद्दड़बाहा के विधायक अमरेंद्र सिंह राजावडिग की ओर से विकास कार्यों के तहत गिद्दड़बाहा शहर को साफ सुधरा बनाने के प्रयासों तहत सामाजिक संस्था राहत फाउंडेशन सहारा क्लब के सहयोग सदका एसएलआरएम प्रोजेक्ट अधीन शहर की लक्ष्मण कॉलोनी में शहर वासियों को अलग अलग डस्टबिन वितरित किए गए। इस दौरान नगर कौंसिल के पार्षद अश्विनी सचदेवा की ओर से डोर टू डोर जाकर लोगों को डस्टबिन दिए। पवन बंसल प्रधान सहारा क्लब गिद्दड़बाहा के राहत फाउंडेशन के पवन बंसल जी ने एक मुहिम शुरू की है, राजावडिग ने की है मुहिम का शुरू, असं उन्होंने नाल खड़े हैं। बहुत वधिया असी गिद्दड़बाहा शहर के गंद चकना जी, कला कुछ भी हो गली गली साफ करनी है। राजावडिग का हर हुक्म है, एस एल आर एम वालों इस टीम चलाई गई है। मैं लोगों को अपील करता भी थोड़े वार्ड के एम सी भी सर खड़े है, मैं लोगों को भी बेनती करता भी तुम्हें सारा सहयोग दो ताकि आप मुहिम कामयाब कर। जो कुछ दिन पहला बिंग साहब द्वारा एक SLRM प्रोग्राम शुरू किया गया से, इस विशेष तौर पर जिला प्रशासन तो राहत फाउंडेशन गिद्दड़बाहा काम कर रही है। पहला साढ़े को सेंटर नहीं सीगा वड्डा, जिस करके असी छोटे सेंटर नाल ही काम शुरू कर रहे थे। हुण जल्दी जिहड़ा हैगा असी जिहड़ा वड्डा सेंटर साडा इनॉग्रेट कर रहे हैं, जिस दे विच करीब 2,000 to 3,000 घर जिहड़ा है कवर किया जाऊगा। उस मुहिम तहत ही जोड़े है अज असी सुभाष नगर लक्ष्मण कलोनी एम सी साहब के सहयोग न राहत फाउंडेशन के सहयोग न सारे घर जोड़े है डस्टबिन बंडन की मुहिम। गिद्दड़बाहा से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।